बज जैसा खावे अन ऐसा हो जा मन, सबसे मेन चीज है स्वास्थ्य कर का भाई। मैं तो भुक्त भोग गया टाइम से पहले, माँ चली गई टाइम से पहले बापू चले गए, चलो है भाई पता नहीं है उसकी जान बच गई। अपने जीवन में मिले इन कड़वे अनुभवों के बाद किसान विकास बालियान ने जैविक खेती को अपना लिया ताकि कोई और केमिकल वाली सब्जियां खाकर बीमार न पड़े। उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास 6 साल पहले तक रासायनिक खेती करते थे, लेकिन माता पिता के असमय निधन और पत्नी की गंभीर बीमारी ने मानो उनका जीवन ही बदल दिया। 2010 में पापा का ब्लड कैंसर बता दिया, उन्हें मैं लेकर पहुंचा जीटीबी दिल्ली, तो वहां पर मैं 40 दिन रहा। मेरे पापा का तो खान पीन बड़ा संतुलित था, बीड़ी वगैरह कुछ नहीं, धूम्रपान भी नहीं कुछ करे थे। उन्होंने मुझे कई कारण बताए कैंसर के, मुख्य कारण बताया उन्होंने, मैं जो खेत में पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं भाई उसका रिजल्ट है। तो तब से मन में जिज्ञासा हुई, मैं प्राकृतिक खेती में शुरू करूँगा। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले में अपने गांव भोरा खुर्द की 3 एकड़ जमीन पर गन्ने की जैविक खेती शुरू की। हालांकि ये शुरुआत उनके लिए इतना आसान नहीं था, पहले 2 साल तक उन्हें कोई मुनाफा नहीं मिला, उपज भी कम हो गई, लेकिन विकास डटे रहे। धीरे धीरे उनके गन्ने से बने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड और मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से लोग सीधा उनके खेत से ही गन्ना और गुड़ खरीदने लगे। ये उनका जैविक खेती पर विश्वास ही था जिसके दम पर आज वे पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, वे भी लोगों तक शुद्ध और रसायन मुक्त उत्पादन पहुंचाकर। विकास की ये सफलता बताती है कि जब नियत अच्छी हो तो नतीजे भी अच्छे होते हैं। अगर आप भी जैविक खेती के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो विकास से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों की ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।